चलो, सो स्टेयरकेस अभी हम यहाँ पे हम क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। लास्ट सेशन में हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट जो कॉलम बीम स्लैब उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह असाइन कर दी थी। अभी हमें यहाँ पे सिंपल अपनी स्टेयरकेस मॉडल करनी है, ठीक है? तो सबसे पहली चीज, टॉप व्यू पे आ जाओ। ये इतना पोर्शन आप सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके और सीधा सीधा यहाँ से क्या कर दीजिए, न्यू। अब जब न्यू व्यू करोगे यहाँ पे आपको डू यू वॉन्ट टू क्रिएट अ न्यू विंडो ऑफ द व्यू और डिस्प्ले द व्यू इन द एक्टिव विंडो, सेकंड वाले ऑप्शन पे टिक करके सीधा ओके कर दीजिए। 3D देखोगे तो ये आ जाएगा और यहाँ पे सिर्फ बीम्स आएंगी आपके पास, ठीक है? 3D रेंडरिंग देखोगे तो ये आप देख सकते हो। तो स्लैब यहां से बनाना है इस तरह से और फिर ही ऊपर जाना। यहां पे बताते हैं आपको ग्रिड मेथड। एक तो हमारा हो गया था कि हम नोड को सेलेक्ट कर करके कर सकते थे। अब समझिएगा यहां ध्यान से, ज्योमेट्री पे गए, यहां पे मैंने ग्रिड लिया, बीम ग्रिड ले लिया। ये ग्रिड आगे नीचे की तरफ इनरेगुलर ग्रिड जो हमने बनाई थी। अब हम क्या करते हैं, यहां से अगेन एक न्यू ग्रिड क्रिएट करते हैं और ये भी आपकी इनरेगुलर रहेगी। नेम मैंने दे दिया, लेट्स से स्टेयर्स ग्रिड, ठीक है? ओरिजिन अभी यही रहने दो। डिस्टेंसेस वगैरह अगर हम बात करें तो एक्स और वाई में आ रहा है। अब समझिएगा करना क्या है। अगर मैं ये फेस की बात करूं, ये कौन सा फेस होगा या कौन सा प्लेन होगा? वाई जेड प्लेन होगा। तो पहले तो जो प्लेन है इसको सब क्या सेट कर लो आप, वाई जेड प्लेन कर लो। दूसरी चीज, जो हम ग्रिड प्लेस कर रहे हैं वो यहां पे प्लेस कर रहे हैं और ये इस तरह से आएगी। ग्रिड जो हम रखेंगे वो इस पॉइंट से रखेंगे यहां से इस पॉइंट तक। तो ये वाला कौन सा डायरेक्शन हुआ आपका, जेड हुआ। और अगर मैं इसी का एक सेक्शन यहां से काटूं तो साइड से ये कॉलम आपके जा रहे हैं, ठीक है? जो मैं ग्रिड मैंने बोला जेड डायरेक्शन ये हुआ और वाई डायरेक्शन ये हुआ। जो आपके पास स्टेयर्स है वो कुछ इस तरह से बनेगी। अगर फ्रंट से देखोगे तो नीचे समझ में आ रहा है भाई, नीचे आपके पास बीम है, पर यहां पे बीम है, यहां पे हमने बीम बनाई है, यहां पे हमने बीम बनाई है। तो ग्रिड यहां से स्टार्ट करना है यहां पे, ये इतना पॉइंट। तो एक तरह से जो ग्रिड आएगी हमारी वो ये ग्रिड आएगी, ठीक है? एक ग्रिड ये इस तरह से और ये। तो जो हाइट है ये कितना है आपका, 3.2। अब 3.2 ही है था ना एग्जैक्ट, क्योंकि गलत होगा तो गलत बन जाएगा। तो 3.2 ये हो गया और इसका ये हाफ लैंडिंग आ जाएगा क्योंकि स्टेयर दोनों तरफ बराबर बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, 1.5। तो ये वाला कौन सा डायरेक्शन, वाई है, तो वाई में पहले 0 होगा, फिर 1.5 होगा और 3.2। और 3.2 टोटल हाइट है, बट जो स्पेसिंग हम देंगे 0 देंगे, 1.5 देंगे और फिर 1.5 देंगे ग्रिड जब हम बनाएंगे वाई डायरेक्शन में। और अगर हम बात करें यहाँ पे जेड डायरेक्शन की, तो जेड डायरेक्शन में यहां से ये स्पेसिंग कितना है और ये स्पेसिंग कितना है वो यहाँ पे हमें मेजर करना पड़ेगा और उस हिसाब से हम देंगे। सो स्टार्ट प्रो ओपन किया, इररेगुलर ग्रिड, वाई डायरेक्शन में पहला 0 हो गया, स्पेस 1.5, स्पेस 1.5। जेड डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो यहां पे आ जाओ, डायमेंशन लेयर ले लो सेंटर से, ठीक है? सेंटर से ये डायमेंशन कितना है, 1.029, 0 1.029। और इसके बाद मैं कहता हूं ये मैं बीम तक पूरा ले रहा हूं, मैं यहीं से स्टार्ट कर सकता हूं अपनी लैंडिंग स्टार्ट प्रो पे समझने के लिए। और नहीं करना चाहते एग्जैक्टली ऐसे ही करना चाह रहे हो तो यही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो जो बनाए वही करता है, क्यों कंफ्यूज कर। 2.032 और फिर
ये डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे कितना हो रहा है, चलो है पास लगाओगे, ठीक है ये हो गया आपका 0.368, 0.368। तो वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, पोजिशनिंग क्या है 0 0 0। अभी अगर मैं इसको ओके करता हूँ, स्टेयर्स वाली ग्रिड को एक्टिवेट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये ग्रिड आ रही है इस तरह से। तो ये ग्रिड कहाँ पे होनी चाहिए, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को सेलेक्ट पे जाओ, नोट कर्सर पे जाओ, डबल क्लिक करो, तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट आ गया इसका। इस ग्रिड को एडिट करो, एक सेकंड, ग्रेड को एडिट किया, एक्स में कितना है 4.343, वाई में 0.914, जेड आपका 0 एंड ओके। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से ग्रेड आ गई। अब ये जो ग्रेड है 0, ये तो ठीक है, बट ये एग्जैक्टली ऊपर आना चाहिए था यहाँ पे। हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, 1.5 की जगह कितना होगा 1.6, वेरी गुड। अब सही है, आया कि नहीं समझ में ये चीज। अब ज्योमेट्री पे गए, एड बीम पे जाओ और यहाँ पे स्नैप नोट बीम ऑप्शन पे आ जाओ। पहले स्नैप नोट ही से करो, एड बीम नहीं काम करेगा, ठीक है। स्नैप नोट पे गए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यहां से इस पॉइंट तक, बस ये हमने बना लिया। अब इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, फिर से बता रहा हूँ एक बार समझिएगा, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, ठीक है। ग्रेड अभी मैं बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक नोड आ गया एक्स्ट्रा, ये बीम और ये बीम। कोई मुझसे पूछ रहा था कि नोड को डिलीट करते हैं तो फिर ये बीम डिलीट हो जाती है, ठीक है। तो दोनों बीम को सेलेक्ट करके यहाँ से इसको कर दो मर्ज, ठीक है विश्वजीत, है ना। बाकी ये नोड एक्स्ट्रा आ रहा है, इस नोड को अभी हम डिलीट कर रहे हैं। ये पीछे वाला कॉलम दिख रहा है, ठीक है। अब ज्योमेट्री पे गए, ग्रिड को मैंने ऑन किया, बीम ग्रिड पे गए और स्टेयर्स पे आ गए। स्टेयर्स पे स्नैपिंग हमने ऑन की, मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यहां से इस पॉइंट तक, और ग्रिड को क्लोज। अब ये मैंने सेलेक्ट किया और ट्रांसलेशन रिपीट इधर ले जाना है, कौन सा डायरेक्शन हो गया, नंबर ऑफ स्टेप 1, और कितना होगा ये वैल्यू, यहां से ले रहा हूं, ठीक है। ये हो गया आपका 1.029। लिंक स्टेप करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ओके कर, नहीं लिंक स्टेप कर लो, ये बीम बन रही है, बाद में बीम को डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां से ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, यहां से अगर हम देखें तो 2.134। सेलेक्ट पे गए, नोट कर्सर, इस नोट को सेलेक्ट किया, ज्योमेट्री पे आके ट्रांसलेशन रिपीट, एक्स में 2.134, 2.134, लिंक स्टेप करके सीधा सीधा ओके कर, ठीक है। फिर इसके बाद ये बीच में गैप कितना है 0.076, 0.076, लिंक स्टेप करके ओके कर दिया। फिर इस नोड को सेलेक्ट किया और इसको आगे की तरफ कितना लाना है, ये 1.029, जेड में 1.029, लिंक स्टेप करके चाहते ओके कर लो। फिर एड बीम करके ये और ये नोड को मैंने ऐड कर लिया। व्यू पे जाके 3D रेंडरिंग देखो, ये इस तरह से भी बन गया इतना। अब क्या करना है, ये पोर्शन कनेक्ट करना है। तो अगेन ग्रिड को मैंने ऑन किया, अब यहां से मुझे इधर जाना है, बट ये जो ग्रिड है वो यहां पे होनी चाहिए, है ना। सो सेलेक्ट पे जाके नोड कर्सर और ये वाले नोट पर डबल क्लिक करो, एडिट पे जाओ और एक्स में 6.477, ठीक है।
आप स्नैप नोट को ऑन, यहां से यहां तक, ग्रिड को क्लोज, ये हमारा ज्योमेट्री पे, अब ये इस फेस पे मुझे यहां पे एक मैच करना, समझ में नहीं आ रहा है अगर, तो व्यू पे जाके यहां पे आप इसको ओरिएंटेट कर सकते हो। तो मैंने कहा ये देखो, अभी समझ में आ रहा है, तो ये यहां पे आएगा इस तरह से। तो मैंने कहा इसको सेलेक्ट किया, ज्योमेट्री पे जाके ट्रांसलेशन रिपीट, इधर कौन सा डायरेक्शन होगा, एक्स -1.029 ना, लिंक स्टेप ना करो, सीधा सीधा इसको ओके करो, एड बीम, यहां से ये बीम ऐड कर लो, और मैं कहूंगा परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन, यहां से इसको सेलेक्ट करो, और परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन यहां से। अब यहां पे आ जाओ, ऐड प्लेट पे क्लॉकवाइज 1 2 3 4, राइट क्लिक, लेबल्स, स्ट्रक्चर, फिल प्लेट सॉलिड, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, व्यू पे जाके 3D रेंडरिंग, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पे ये सब बीम्स हैं, ये सारी बीम्स को डिलीट करना है, ठीक है, ये वाली बीम चाहो तो ना डिलीट करो, यहाँ पे आपका बीम ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब बीम डिलीट कैसे करोगे, टॉप व्यू लगा लो, लेकिन टॉप व्यू अगर लगाएंगे, सेलेक्ट करेंगे तो सब सेलेक्ट हो जाएगा, फ्रंट व्यू लगाओ, साइड व्यू लगाओ, साइड व्यू सही रहेगा, ये हमने इस तरह से पूरा सेलेक्ट, ठीक है, सारी बीम सेलेक्ट हो गई, और यहाँ पे ये बीम, ये बीम, और यहाँ पे ये तो ये बीम नहीं रहेगी, ये बीम नहीं रहेगी, ये तो डिवीजन हो गया है, वो तो रहेगा ही रहेगा, बीम ये पूरा जा रहा है ना, ये बीम पूरा आ रहा है, और इसको डिलीट, 3D रेंडरिंग में यहाँ पे चेक करके देख लो, जैसे यहाँ पे देखोगे ब्लू कलर से बॉर्डर दिख रहा है हल्का हल्का, बाकी तरफ नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स इधर की बीम्स आपकी डिलीट हो गई। थोड़ा सा टिपिकल है बट एक बार समझ के करोगे कोऑर्डिनेट्स वाला पार्ट तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये क्या दिख रहा है मुझे, अच्छा ये सामने वाली बीम है, ये नोड क्यों आ रहा है यहाँ पे, ये नोड पीछे वाला नोड है, इसको हल्का सा रोटेट करो, आप समझ में आ रहा है, ठीक है, ये पीछे वाला नोड यहाँ पे दिख रहा था। तो यहाँ से आप लाइक अपने 3D व्यू की भी ओरिएंटेशन वगैरह चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो इस पर्टिकुलर व्यू से, ठीक है भाई। चलो ये वाली बीम हम यहाँ से क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, और यहां पे ये जो बीम है इस पे बीम वाली प्रॉपर्टी दे देते हैं, ठीक है, बीम ये, बीम ये, बीम ये, बाकी इसके बाद स्टेयर का देंगे, जो प्लेट है हमारे पास ये 0.13 है, मैं यहां से आऊंगा थिकनेस 0.1 दे रहा हूं, 4 इंच, ऐड क्लोज, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट पे जाके प्लेट कर्सर, और ये प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट, और ये असाइन टू सेलेक्टर, व्यू पे जाके 3D रेंडर, ठीक है। ये वाली बीम भी देखो यहाँ पे इसके सपोर्ट पे आ गई, इसको कर दिया क्लोज, और डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर, 3D रेंडरिंग, और ये इस तरह से इसको क्लोज कर दिया। अब इसके बाद सपोर्ट्स पे आ जाओ, यहां से क्रिएट फिक्स सपोर्ट, ऐड व्यू पे जाके फ्रंट व्यू, इसको सेलेक्ट कर लिया, असाइन टू सेलेक्टेड नोड्स, व्यू पे जाके
ठीक है, सो 3D रेंडरिंग ये पर। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है लोडिंग वाला पार्ट। लोडिंग वाला पार्ट हम नेक्स्ट सेशन में कवर अप करेंगे। तभी तक मॉडल हो गया, मॉडल होने के बाद अपने की स्टेयर्स हो गया।